नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार गुप्ता और उनकी टीम ने बच्चों के संग दिल छू लेने वाली पंडाल यात्रा के माध्यम से बिखेरी खुशियां और उम्मीदें। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे चैनल के माध्यम से। चेयरमैन जिम्स हॉस्पिटल, आज चतुर्थी है। चतुर्थी के दिन सभी को मेरी तरफ से, मेरे ईश्वर की तरफ से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं पहले देता हूं मैं। और सारे मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि जिम्स हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट, एक मेडिकल कॉलेज है, जिसके माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि हर वर्ग के बच्चे, जो भी वर्ग से आए, उस बच्चे को राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ केयर है। हम अगर इन बच्चों को आगे कर पाएँ, अगर इन बच्चों को हम बाहर निकाल पाएँ, हमारे तरफ से अगर हम इन बच्चों को थोड़ा हेल्प एंड सपोर्ट कर पाएँ, तो इनमें से भी कई बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मैनेजमेंट बन सकते हैं, अच्छे लाइफ लीड कर सकते हैं और हमारे समाज में वो इंटीग्रेट हो सकते हैं। आज हम इस इनिशिएटिव से इन सारे बच्चों को आज हम चतुर्थी के दिन बाहर लेकर के आए हैं। हम दुर्गा पूजा के पंडाल यहाँ पे गरिया बोल पालीगंज में सब जगह इनको लेकर के आए हैं, इनको खाना वाना खिलाए हैं, टिप करके दिए हैं, ताकि इन बच्चों को भी ये पता चले कि ये भी हमारे समाज के एक अंग है, एक पार्ट है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इन बच्चों को हम खुशी कर पाएँ। कल मैं अपने बच्चे के साथ में भी बाहर जाऊँगा, पंडाल देखूँगा, लेकिन उसके पहले मैं इन बच्चों के साथ में आज बाहर निकलना चाहता था, इनके साथ में मैं दुर्गा पूजा देखूँ, इनको मैं दुर्गा पूजा दिखाऊँ और इनको मैं इनके चेहरे पे जो खुशी ला करके जो हम लोग सबको खुशी मिलेगी, उसका आनंद कुछ और है। इसलिए मैं आप लोग सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोग सब आगे बढ़ के इन बच्चों को सपोर्ट करें, जो चाहे जैसे भी हो पाए, ये मेरे तरफ से है। सर, कितने बच्चे और कहाँ कहाँ ले गए? हमारे साथ में आज करीब 50 से 60 बच्चे आए हैं, जो सुबह 10 बजे अपने घर से निकले हैं और आज कम से कम 6 या 7 साउथ कलकत्ता के पूजा पंडाल को देख करके शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक सबको हम घर पे पहुंचा देंगे। थैंक यू सर।